ओके सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। ठीक है बेटा, कल हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करी थी यहाँ पर। ओके तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उसमें एक आपके पास है फिशन, और सेकंड जो हम लोगों ने यहाँ पर करा था दैट वाज बडिंग। तो ये दोनों टाइप्स हम लोगों ने कल के लेक्चर में कम्प्लीट कर लिए हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। इसमें जो बेटा थर्ड टाइप आप लोगों के पास आता है दैट इज नोन एज द रीजनरेशन। इट इज अनदर टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रीजनरेशन में नाम से क्लियर है, रीजनरेट करना, किसी चीज का वापस बनना, दैट इज कॉमनली कॉल्ड रीजनरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनरेशन में देयर विल बी द रीफॉर्मेशन। किसका रीफॉर्मेशन होगा? देयर विल बी द रीफॉर्मेशन और यू कैन से रीग्रोथ। आइदर यू कैन से रीफॉर्मेशन और यू कैन से द रीग्रोथ ऑफ द लॉस्ट टिश्यू और ऑर्गन। आपका जो लॉस्ट टिश्यू है या ऑर्गन है वो वापस बन जाता है, दैट इज कॉमनली नोन एज द रीजनरेशन। तो रीजनरेशन बेटा दो तरीके की होती है। एक हम लोगों के पास आती है जिसको नाम दिया जाता है मॉर्फोलेक्सिस, ठीक है, और सेकंड टाइप हमारे पास आती है एपिमॉर्फोसिस। तो मॉर्फोलेक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस अगर इन दोनों को कंपेयर करा जाए तो व्हाट इज द डिफरेंस? मॉर्फो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी, आपका जो पूरा मॉर्फोलॉजी है, लेकिन हेड टू टो ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो मॉर्फोलेक्सिस इज अ दैट टाइप ऑफ द रीजनरेशन जिसमें आप बना सकते हो न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें पूरे नए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है, उसको नाम दिया जाता है मॉर्फोलेक्सिस, क्लियर। तो एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो जैसे कि प्लेनेरिया है आपके पास जो कि प्लैटीहेलमिंथस का मेंबर है, साइंटिफिक नेम है इसका ड्यूजेशिया, विच इज हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द रीजनरेशन, क्लियर। देन उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल इसमें हम लोगों के पास आता है हाइड्रा, इसमें भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलेगा। एपिमॉर्फोसिस की अगर हम बात करें तो बेटा एपिमॉर्फोसिस में नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, एपिमॉर्फोसिस में यू कैन फॉर्म द लॉस्ट पार्ट और द ऑर्गन। आइदर आप इसमें लॉस्ट पार्ट बना सकते हो या लॉस्ट ऑर्गन बना सकते हो। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास है वो आता है यहाँ पर लिजर्ड टेल। लिजर्ड के केस में टेल होते हैं ना, उसकी पूंछ टूट गई और वापस ग्रो कर जाती है, अगर आप उसकी टेल देखो दैट इज एपिमॉर्फोसिस। इवन जो ह्यूमन के केस में लिवर है वो भी बेटा रीजनरेशन शो करता है, बट दैट रीजनरेशन इज अ वेरी स्लाइट। पूरा का पूरा लिवर वापस नहीं बन सकता, लेकिन अगर उसका कुछ हिस्सा लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो रीजनरेट हो सकता है। सो रीजनरेशन इज अनदर टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन के बाद बेटा नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से क्लियर है, बॉडी को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द बॉडी इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स और यू कैन से पीसेस। देन ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो फिनोमिना इज नोन एज व्हाट? फ्रेगमेंटेशन, वेरी सिंपल। तो फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास आते हैं पॉरीफेरा, विच आर कॉल्ड द स्पॉन्ज एनिमल्स, क्लियर। तो पॉरीफेरा में फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे पास जो फ्रेगमेंटेशन है वो कॉमनली हमें देखने को मिलता है एल्गी के केस में, ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्यू मेंबर्स ऑफ एल्गी, एक्सपायरो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है फिशन, सेकंड आता है बडिंग, थर्ड आता है रीजनरेशन, फोर्थ हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन। अब इनके बाद बेटा जो नेक्स्ट टाइप हम इसमें हम लोग करेंगे दैट इज नोन एज द स्पोरुलेशन और यू कैन से द स्पोर फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा चार टाइप्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नंबर फिफ्थ टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज द स्पोरुलेशन, ठीक है। तो स्पोरुलेशन में बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन होगा। जशन बेटा फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड हो जाती है छोटे छोटे पीसेस में, एंड ईच पीस विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट फिनोमिना इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो एक पॉरीफेरा है आपके पास, और सेकंड एग्जांपल आता है एल्गी। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने, ठीक है। अब हम नंबर फिफ्थ मेथड पे चलते हैं। तो नंबर फिफ्थ मेथड हम लोगों के पास यहाँ पर आता है स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन नाम से क्लियर है, इट इज बेसिकली द स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोरुलेशन में देयर विल बी द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर ऑब्वियसली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है।
और ये कॉमनली हमें देखने को मिलती है दो मेंबर्स में, विच इज हैविंग एल्गी एंड फंजाई। तो फंजाई और एल्गी में सबसे कॉमन मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, विच इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। तो इसके लिए बेटा डायग्राम पे चलते हैं जरा, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो भी आपके साथ साथ में कवर हो जाए। सबसे पहले ए डायग्राम चेक करो जरा। नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर द जू स्पोर ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। एल्गी का एक केस दिया है आपको, दैट इज द क्लेमाइडोमोनास। तो उसके केस में बेटा डायग्राम गिवन है, लुक एट द डायग्राम केयरफुली। सबसे पहले ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द जू स्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है इसको? जू स्पोरेंजियम, ठीक है। और जू स्पोरेंजियम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ द स्पोर्स आर प्रेजेंट, विच आर कॉमनली कॉल्ड जू स्पोर। तो जू स्पोर को ध्यान से देखो, हर जू स्पोर के सामने की तरफ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, विच आर बेसिकली कॉल्ड फ्लैजिला। सो दीज आर बाइफ्लैजिलेटेड। जू वर्ड का मतलब आता है एनिमल से, बिकॉज एनिमल कैन लोकोमोट। सेम वे में जो ये स्पोर बनते हैं, दे कैन ऑल्सो लोकोमोट, दीज आर द मोटाइल स्पोर। तो जू स्पोर को कॉमनली नाम दिया जाता है यहाँ पर मोटाइल स्पोर्स का, क्लियर, बिकॉज दे आर हैविंग द फ्लैजेला। सो लाइक दे कैन मूव, दे कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इस ये कॉमनली किसके केस में बनता है? इट इज फॉर्म इन केस ऑफ द एल्गी दैट इज क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। सेकेंड क्लेमाइडोमोनास दैट इज द एल्गी जिसके केस में कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं जू स्पोर। सेकेंड जो डायग्राम आपको दिया है बेटा, ये डायग्राम आपके पास आता है पेनिसिलियम का, दैट इज द मेंबर ऑफ फंजाई, ठीक है। तो पेनिसिलियम के केस में बनते हैं स्पोर, और इन स्पोर्स को कॉमनली नाम दिया जाता है कॉनिडिया। क्या बोला जाता है इन स्पोर्स को? कॉनिडिया। तो अगर आप यहाँ पर कॉनिडिया की बात करो, तो देखो सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग, ब्रांच है बेटा आपके पास, दिस ब्रांच इज नोन एज द कॉनिडियोफोर। क्या बोला जाता है इस ब्रांच को? कॉनिडियोफोर। तो कॉनिडियोफोर के टॉप में लार्ज नंबर ऑफ द स्पोर्स आर प्रेजेंट, विच आर कॉमनली कॉल्ड कॉनिडिया। बट दीज कॉनिडिया आर एक्चुअली नॉन मोटाइल, बिकॉज दे डू नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द स्पोर्स, सॉरी फ्लैजेला यू कैन से। सो इनको नॉन मोटाइल बोला जाता है, जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है वो आपके मोटाइल स्पोर्स है। तो मोटाइल स्पोर जो है वो याद है, दैट इज इन केस ऑफ एल्गी। माइक म्यूट रखो बेटा अपने। और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है वो बनते हैं पेनिसिलियम के केस में, दैट इज अ मेंबर ऑफ फंजाई। तो स्पोरुलेशन में ये दो एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है, पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब ये दोनों एग्जांपल्स हो गए बेटा स्पोरुलेशन में, तो इसी के साथ जो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पर हो गया है खत्म। तो ये फटाफट से पैराग्राफ चेक कर लो जरा। पैराग्राफ में आपके पास सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बाइनरी फ्यूजन कॉमनली हमें मिलता है अमीबा एंड पैरामीशियम के केस में। ईस्ट के केस में डिवीजन अनइक्वल है, क्योंकि एक छोटी सी बड बनती है जो इनिशियली तो पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगा, लेकिन बाद में वो अलग हो जाता है एंड विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। फंजाई और एल्गी के कुछ मेंबर्स जो है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, लेकिन उनमें बनते हैं स्पोर। कॉमनली जो स्पोर हमें देखने को मिलते हैं वो जू स्पोर है, और इसके अलावा वी हैव द कॉनिडिया जो कि पेनिसिलियम में बनेगा। हाइड्रा के केस में कॉमनली हमें क्या नजर आती है? बड नजर आती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा विच इज हैविंग द बड। तो दिस काइंड ऑफ द बड इज कॉल्ड एक्सटर्नल बड, विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक बड है जेम्यूल जो कि स्पॉन्ज के केस में बनती है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द जेम्यूल इन केस ऑफ स्पॉन्जिला, विच इज कॉल्ड फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज। और जेम्यूल जो है वो इंटरनल बड है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर बनेगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, तो डायग्राम में बेटा ये आपके पास आ जाता है आउटर वॉल, देन ये हमारे पास आ गया इनर वॉल, क्लियर। अंदर की तरफ जो सेल्स हैं इनको हमने नाम दे दिया आर्कियोसाइट्स, जो मैं बता चुकी हूँ टोटिपोटेंट सेल्स है। टॉप में ओपनिंग आपके पास है, दिस इज नोन एज द माइक्रोपाइल। और वॉल के बीच में देखो ये आपको कांटे जैसे नजर आ रहे हैं, इनको स्पिक्यूल्स बोला जाता है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है ना, जो बोन्स एंड कार्टिलेज का बना है, ठीक है, सेम तरीके से वैसे ही यहाँ पर जेम्यूल्स जो कि इंटरनल बड है स्पॉन्जिला में, उनकी वॉल में बेटा स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो आइदर कैल्शियम या सिलिका के बनते हैं। तो इनका मेन काम है जस्ट टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन, दैट्स इट, पॉइंट इज क्लियर। तो ये सारे के सारे हमने कल डिस्कस करे थे
जब हमने आपको बताया था बडिंग के बारे में, जिसमें हमने हाइड्रा के केस में भी पढ़ा था एक्सटर्नल बडिंग, एंड हमने बात करी थी इंटरनल बडिंग, दैट इज इन केस ऑफ स्पॉन्जिला. सो इंटरनल बड को क्या नाम दिया जाता है? जिम्यू. पॉइंट इज क्लियर बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट. तो यहां पर हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पांचों मेथड्स हो चुके हैं फिनिश. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट इसमें आपके पास कैटेगरी आती है, मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ. अभी जो नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है बेटा, वो हम लोगों के पास है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. ठीक है, तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ, एक बार ध्यान से देखो. अब हमारे पास एक टेक्निक है जिसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बोला जाता है. तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम बेसिकली नए प्लांट्स बनाते हैं. क्लियर? और ये टेक्निक आप सिर्फ प्लांट में यूज करोगे बेटा, एनिमल्स के केस में टेक्निक यूज नहीं होती. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्लांट में देखो तीन पार्ट्स हैं जो कि वेजिटेटिव हैं, जैसे कि प्लांट का शूट पार्ट हो गया, एक प्लांट का रूट पार्ट है और एक प्लांट के पास है लीफ. ये तीनों पार्ट प्लांट के कैसे पार्ट्स आ जाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स. आप इसमें फ्लावर को नहीं लोगे क्योंकि फ्लावर जो है बेटा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, तो इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट से आप क्या करते हो? नए प्लांट्स बनाते हो. तो जब वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा तो मेथड इज कॉमनली नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. प्रोपेगेट का मतलब होता है नया बनना, नए प्लांट्स का बनना. क्लियर? तो अब इसमें बिल्कुल सही, रोज के प्लांट में होता है. अभी पढ़ते हैं बेटा. तो सबसे पहले देखो, अब आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन आपके पास है कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान के चल सकते हो? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास है यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी सिंगल पेरेंट आपको चाहिए, तो सिंगल पेरेंट से आप नया प्लांट बना सकते हो जस्ट लाइक द एसेक्सुअल. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास लिखा है कि जो टर्म है क्लोन, क्या वो एप्लीकेबल है टू द ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो नए ऑफस्प्रिंग या नए प्लांट्स आप बनाओगे, क्या आप उनके लिए क्लोन टर्म यूज कर सकते हो? तो आंसर आपके पास अगेन आता है यस, कर सकते हो. क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई वेरिएशन नहीं होती है, तो इसी वजह से वी कैन यूज द टर्म क्लोन. पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को करना है डिटेल में. पॉइंट इज क्लियर? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अगर हम डिटेल में करें तो सबसे पहले देखो इसकी टाइप्स आ जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो फर्स्ट टाइप आप लोगों के पास आती है, दैट इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. पॉइंट इज क्लियर बेटा? ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल की. देखो, नेचुरल वो होगा जिसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो नेचर में अपने आप होगा, नेचुरली होगा, तो उसको आप बोलोगे नेचुरल. और एक है आर्टिफिशियल, जिसमें ऑब्वियसली बेटा ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसको हॉर्टिकल्चर भी बोला जाता है. दिस लाइन इज समटाइम ऑल्सो नोन एज द हॉर्टिकल्चर. पॉइंट इज क्लियर? जैसे घरों में मान ली आते हैं ना, गार्डनर्स आते हैं, वो भी करते हैं ऐसी चीजें, तो ऑब्वियसली इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है. तो सबसे पहले हम नेचुरल की बात कर लेते हैं. अब देखो, नेचुरल में कौन कौन से मेथड्स हैं विच कैन बी यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो सबसे पहला जो मेथड बेटा यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है, दिस मेथड इज डन बाय द रूट्स. तो सबसे पहला मेथड हम लोगों के पास आता है बाय रूट्स. तो जैसे प्लांट में रूट्स हैं, अब रूट्स में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कुछ होती है टैप रूट, यू नो व्हाट इज टैप रूट? ठीक है, टैप रूट वो होती है जो रेडिकल से निकलती है. फिर कुछ प्लांट में होती है बेटा फ्लैशी रूट्स. फ्लैशी रूट्स उनको बोला जाता है जो फूड स्टोर्ड करती है. ठीक है, तो ये वाली जो रूट्स हैं, और एक होती है एडवेंटिशियस रूट्स. एडवेंटिशियस रूट्स उनको बोला जाता है जो प्लांट के किसी भी पार्ट से निकलेंगी बट नॉट फ्रॉम द रेडिकल.
तो ये जो टाइप ऑफ रूट्स हैं दे कैन एक्चुअली गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स. सो द न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म्ड जस्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड द रूट पार्ट. क्लियर? एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आता है डलबर्जिया. देन सेकेंड एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आता है पॉपुलर प्लांट. क्लियर? देन उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोगों के पास इसमें आता है गुआवा. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच कम्स अंडर द प्रोपेगेशन बाय रूट. सेकेंड इसमें जो एग्जाम्पल हम लोगों के पास आता है बेटा, मतलब फर्स्ट सेकेंड जो टाइप आएगी दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम. बाय अंडरग्राउंड स्टेम ये सभी बच्चों ने प्लांट में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में प्लस वन में डेफिनेटली, तो आपको याद भी होगा. अंडरग्राउंड स्टेम में है क्या? इट इज दैट पार्ट ऑफ द स्टेम विच इज अंडरग्राउंड बिलो द ग्राउंड जमीन के अंदर. ठीक है? तो इसका मेन काम रहता है खाने का स्टोरेज करना. फोटोसिंथेसिस तो ये कर नहीं सकता बिकॉज इट इज ऑब्वियसली बिलो द ग्राउंड. ठीक है? तो अंडरग्राउंड स्टेम में फर्स्ट टाइप हम लोगों के पास आती है ट्यूबर. तो ट्यूबर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? पोटैटो, आलू. घरों में आलू है ना आपके. ठीक है? आलू को कभी ऑब्जर्व करना, अगर आप उनको काफी देर तक ऐसे ही घरों में रख दो यूज ना करो तो देखो उसमें से छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. आगे डायग्राम देखेंगे इसका. सेकेंड इसमें जो टाइप आती है बेटा वो हमारे पास आती है बल्ब. बल्ब का बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास आता है अनियन. और सेकेंड एग्जाम्पल प्याज और लहसुन. याद कर लो सब्जी को तड़का लगाना है प्याज लहसुन चाहिए, तो प्याज लहसुन दोनों किस में आ जाते हैं? बल्ब में आ जाते हैं. बल्ब क्या है? बल्ब बेसिकली हम लोगों के पास स्वोलन अंडर ग्राउंड स्टेम है. स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है. क्लियर? तो चाहे आप बेटा ट्यूबर की बात करो चाहे आप बल्ब की बात करो, दोनों में एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होती है? बड्स प्रेजेंट होती हैं. और जो बड है दैट कंटेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स. क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल इसमें जो आता है वो आता है बेटा राइजोम का. राइजोम भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है. और इसके ऊपर एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, नंबर वन एग्जाम्पल आता है. क्लियर? बिल्कुल सही. जिंजर है यानी कि अदरक. एक हमारे पास है टर्मरिक दैट मीन्स हल्दी. और तीसरा एग्जाम्पल आता है बेटा बनाना. तो ये तीनों एग्जाम्पल किस में आ जाते हैं? राइजोम में. अब इनको अगर आप ध्यान से देखो तो राइजोम जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें नोड्स भी होती हैं और इंटर नोड्स भी होती हैं. ठीक है? और नोड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? बड्स प्रेजेंट होती हैं विच कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट. पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल सही सिमरन ऋतिका, बिल्कुल सही बेटा. ठीक है? अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉम्स. कॉम्स जो है वो भी स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है विच कंटेन स्टोर्ड फूड मटीरियल. और कॉम्स का एग्जाम्पल एक हम लोगों के पास आता है अमर्फोफैलस. बिल्कुल सही, अमर्फोफैलस कॉमनली नोन एज द जिमीगन. सब्जी बनाते हो ना जिमीगन की. ठीक है? और एक आता है बेटा कोलोकेशिया. कोलोकेशिया इज अरबी. अरबी की सब्जी भी तो बनती है घरों में. ठीक है? तो इनके केस में भी क्या है? इनके पास भी बेटा नोड्स प्रेजेंट है. और डेफिनेटली नोड्स के ऊपर क्या होती हैं? बड्स होती हैं. एंड दीज बड्स कैन फॉर्म द न्यू प्लांट. पॉइंट इज क्लियर? बिल्कुल सही बेटा. तो एक हमारे पास आता है ट्यूबर, एक आता है बल्ब, एक आता है राइजोम, एक आता है कॉम्स. और लास्ट इसमें जो कैटेगरी आएगी दैट इंक्लूड द सक्कर. क्लियर? तो सक्कर भी क्या होती है? सक्कर भी बेटा अंडरग्राउंड स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है. एंड दे ऑल्सो गिव राइज टू द न्यू प्लांट. तो सक्कर में फॉर एग्जाम्पल चलो पाइनएप्पल. क्लियर? तो ये हम लोगों के पास प्लांट है. ठीक है? तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड. तो ये रूट्स है बेटा उसके, जस्ट कंसीडर. ठीक है? इसी पार्ट से जो कि बिलो द ग्राउंड है यहां से निकलती एक शॉर्ट ब्रांच जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड अगेन इट गेट गिव राइज टू द शूट जो बाहर की तरफ होगा. ठीक है? और अंदर की तरफ फिर से इसमें से क्या निकल जाएंगी? रूट्स निकल जाएंगी. दिस शॉर्ट ब्रांच इज कॉमनली नोन एज द सक्कर. क्या बोला जाता है इसको? सक्कर बोला जाता है. ठीक है? तो एक अगर हम यहाँ पर बेटा अंडरग्राउंड स्टेम की देखो बात करें
तो अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले तो हम लोगों के पास आता है एग्जाम्पल, दैट इज द ट्यूबर, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास रहता है यहाँ पर पोटैटो, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है यहाँ पर बल्ब, जिसमें हमारे पास रहता है यहाँ पर अनियन एंड गार्लिक, जिसमें कि बर्ड्स प्रेजेंट हैं, और बर्ड्स में हमेशा ध्यान रखो कि दे कंटेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सो दे कैन फॉर्म द न्यू प्लांट। राइजोम है जिसमें जिंजर है, अदरक, हल्दी, बनाना, अगेन दे हैव द नोड्स विच कंटेन द बर्ड टू फॉर्म द न्यू प्लांट। कॉम्स आता है बेटा, कॉम्स में आप लोगों के पास आते हैं अमर्फोफेलस विच इज द जिमी गन, क्लियर। देन उसके बाद आता है इसका दूसरा एग्जाम्पल कोलोकेशिया, दैट इज द अरबी। तो इनमें भी क्या है, नोड्स प्रेजेंट है एंड दोस नोड्स कैन फॉर्म द न्यू प्लांट, क्लियर। देन उसके बाद जो लास्ट हम लोगों के पास है, लास्ट आता है हमारे पास यहाँ पर सक्कर। तो सक्कर में भी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो डेफिनेटली अंडरग्राउंड है, दैट इज बिलो द ग्राउंड, क्लियर। तो इसमें जो एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द क्राइजेंथेमम, दैट इज द प्लांट इन विच द प्रोपिगेशन इज डन बाय द सक्कर, क्लियर। बर्ड्स में बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितने भी सेल प्रेजेंट होंगे वो लगातार डिवाइड करके नया प्लांट बना सकते हैं, दैट इज व्हाई बर्ड कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, सबसे पहला मेथड हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है बाय द रूट्स, और सेकेंड मेथड हम लोगों के पास है बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम की फर्स्ट टाइप है ट्यूबर, सेकेंड है बल्ब, थर्ड है राइजोम, फोर्थ आता है कॉम्स, एंड फिफ्थ आपके पास है सक्कर। इतना क्लियर हो गया बेटा, थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर इतना क्लियर है सभी बच्चों को, एंड टेक द स्क्रीन। रनर्स भी आ सकते हैं, रनर इसमें आएगा, रनर की टाइप अलग है, रनर इसमें नहीं आते हैं, रनर अंडरग्राउंड नहीं होते हैं, रनर आर नॉट अंडरग्राउंड, दे आर अबव द ग्राउंड, पढ़ेंगे अभी उसको। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने? Yes. तो इरेज कर देते हैं जरा, अभी हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। अब थर्ड टाइप आ जाती है हम लोगों के पास सब एरियल स्टेम। अब आएगा इसमें रनर, ध्यान से देखो, सब एरियल स्टेम का मतलब कि जो स्टेम का हिस्सा है वो होगा तो जमीन के ऊपर, बट इट इज लाइक पैरेलल टू द सरफेस, ग्राउंड के साथ साथ चलेगा, तो इट इज कॉल्ड सब एरियल, ठीक है। तो सब एरियल में बेटा जो फर्स्ट टाइप हम लोगों के पास आती है, दैट इंक्लूड द रनर। तो रनर का बेस्ट एग्जांपल हम लोगों के पास आता है दूब ग्रास, लॉन ग्रास, दूब ग्रास। तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द प्लांट, मैम प्लांट है, हाँ जी बोलो मैम। मैम सब एरियल का फिर से रिपीट करना क्या मतलब है? क्या कह रहे हो बेटा, जोर से बोलो थोड़ा। मैम ये थर्ड जो लिखवा रहे हो आप अभी, इसका क्या मतलब है? आवाज ऑडिबल नहीं है, आप या तो चैट बॉक्स में लिख दो जो आप कह रहे हो, और स्क्रीनशॉट्स जल्दी जल्दी ले लिया करो साथ साथ में, क्योंकि मैं एक मिनट का टाइम तो देती हूँ आपको स्क्रीनशॉट के लिए। मैम जो थर्ड आप स्टार्ट करवा रहे हो ना अभी, वो उसका स्टार्ट से बताना एक बार, क्या बताया आपने? बेटा सब एरियल स्टेम है, सब एरियल स्टेम जमीन के ऊपर रहेंगी, जमीन के अंदर नहीं है लेकिन जमीन के साथ साथ चलती है, तो इनको सब एरियल स्टेम बोला जाता है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास रनर है, जिसका एग्जांपल है दूब ग्रास। तो ये अगर आप मान के चलो कि ये आपके पास जैसे घास है, ठीक है, तो ये उसका शूट पार्ट है। अपने माइक बेटा म्यूट कर लो प्लीज, ये शूट पार्ट है। तो शूट का जो बेस होगा, बेस से हमारे पास यहाँ पर निकलता है एक पार्ट ऑफ स्टेम। तो ये निकला एक स्टेम का हिस्सा, हल्का सा एक छोटा सा पार्ट निकला। अब ये थोड़े डिस्टेंस तक ग्रो करेगा, देन उसके बाद इट विल गिव राइज टू द रूट, और बाहर की तरफ अगेन हमारे पास आ गया शूट। फिर उसी प्लांट के बेस से फिर से एक शूट का थोड़ा सा हिस्सा निकला, अगेन इट विल फॉर्म द रूट, और बाहर की तरफ जो बना दैट विल बी द शूट। तो ये जो शॉर्ट ब्रांचेस है ना बेटा, इन शॉर्ट ब्रांचेस को यहाँ पर रनर बोला जाता है। तो रनर जो है, दीज आर ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के हमेशा पैरेलल चलते हैं। तभी देखा जो घास है वो ऐसे नेटवर्क की तरह फैलती जाती है, बिल्कुल देखा आपने, ठीक है।
फिर इसके बाद जो सेकंड टाइप इसमें आप लोगों के पास आती है बेटा, सेकंड टाइप हम इसमें हम लोग करेंगे, दैट इज द स्टोलन. रनर के बाद सेकंड टाइप आती है इसमें स्टोलन. अब स्टोलन जो है वो भी रनर के जैसा ही है, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर. इसमें एग्जाम्पल जो है स्ट्रॉबेरी का दिया जा सकता है, ठीक है. और इसमें जो हम लोगों ने डायग्रामेटिकली समझना है, ये हम लोगों के पास है प्लांट, ये उसका हो गया एरियल शूट, यानी कि जो बाहर हवा में है, जमीन से ऊपर है, नीचे ये रूट्स आ जाएंगी, ठीक है. अब यहां से एक ब्रांच निकली बिल्कुल बेसल पार्ट से, मतलब जो शूट का बेस है ना, वहां से शूट के बेस से ब्रांच निकली और वो ऐसे मुड़ी जमीन के अंदर, रूट्स बना दी और बाहर की तरफ फिर से बन गया हमारा शूट. अगेन वो बेस से निकली, देन उसने बना दिया रूट्स और बाहर की तरफ हमें नजर आएगा शूट. तो दिस ब्रांच इज नोन एज द स्टोलन. तो स्टोलन जो होता है ना, वो डोम शेप होता है. कभी भी ध्यान से देखना, रनर जो होगा वो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल चलेगा, लेकिन स्टोलन पैरेलल नहीं चलता है. स्टोलन हमेशा डोम शेप होते हैं या आर्क्ड होते हैं, ऐसे मुड़े हुए, ठीक है. बिल्कुल सही बेटा, क्लियर. लास्ट जो इसमें देखो कैटेगरी आप लोगों के पास आती है, द लास्ट कैटेगरी इज द ऑफसेट. ऑफसेट आप लोगों ने प्लस वन में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल सही. हाँ जी बिल्कुल क्लियर. ऑफसेट मिलेगा बेटा एक्वेटिक प्लांट, ठीक है. एक्वेटिक प्लांट चॉर्निया हो गया, पिस्टिया हो गया, क्लियर, बिल्कुल सही. तो ऑफसेट जो है, इट इज बेसिकली वन इंटर नोड लॉन्ग ब्रांच. जितनी एक इंटरनोड की लेंथ होती है ना, अप्रोक्सीमेटली उतनी लंबी ये ब्रांच होती है. तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट एग्जाम्पल इज द इशॉर्निया, विच इज कॉमनली नोन एज द वॉटर हाइसेंथ, क्लियर. देन उसके बाद आता है पिस्टिया, क्लियर. ये दोनों एक्वेटिक प्लांट है. तो इनके केस में वेन यू लुक एट द डायग्राम, तो सपोज करो ये वॉटर है और यहाँ पर ये प्लांट है, तो इस प्लांट के होते हैं ब्रॉड लीव्स, बड़े बड़े. तो यहां से निकलती है रूट्स पानी के अंदर, और जो इनका बेसल पार्ट होगा वहां से निकलेगी एक ब्रांच जो कि अप्रोक्सीमेटली वन इंटरनोड लॉन्ग है, और आगे जाके वो ब्रांच फिर से क्या बनाती है, नया प्लांट बना देती है. सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अगेन द न्यू प्लांट ऑफ इशॉर्निया. तो इस ब्रांच को नाम दिया जाता है ऑफसेट, क्लियर. तो ये वाले जो तीनों आपके पास एग्जांपल्स हैं बेटा, जो टाइप्स हैं, रनर, देन स्टोलन, देन ऑफसेट. ध्यान से देखिए, एक मिनट, रनर है आपके पास, देन स्टोलन है, और एक आपके पास है ऑफसेट. ये तीनों के तीनों जमीन के ऊपर है, अंदर नहीं है, और ये जमीन के साथ साथ है, कोई पैरेलल है तो कोई डोम शेप है, तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है यहाँ पर सब एरियल स्टेम, विच कैन ऑल्सो प्रोपेगेट टू फॉर्म द न्यू प्लांट. पॉइंट इज क्लियर. हाँ जी बेटा बोलो, क्या कह रहे हो मैम? जो ऑफसेट है ये वाटर सरफेस के पैरेलल होएगा? हाँ जी बिल्कुल. ओके मैम. मैम डिस्टेंस कितने, किस में ज्यादा होएगा, रनर में या ऑफसेट में? क्या बेटा? मैम पेड़ के बीच में डिस्टेंस किस में ज्यादा होएगा, रनर में ज्यादा होएगा या मैम ऑफसेट में? बेटा ये डिस्टेंस वगैरह तो देखो, अगर आप देखोगे तो ग्रास में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है. ठीक है, ग्रास में देखने को मिल जाता है. स्ट्रॉबेरी रनर में नहीं आता है बेटा. स्ट्रॉबेरी इज नॉट इन द रनर, इट इज इन द स्टोलन. रनर में ग्रास है. टेक द स्क्रीनशॉट. तो इसमें फर्स्ट टाइप हम लोगों के पास हो गया है बाय द रूट, सेकंड टाइप आप लोगों ने करा है बाय अंडरग्राउंड स्टेम, और थर्ड टाइप आप लोगों के पास है बाय सब एरियल स्टेम, क्लियर. अब इसी के साथ मैं डायग्राम आपको एक बार दिखा देती हूँ, इधर भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस स्लाइड का. इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा. पहला डायग्राम आपको दिया है पोटैटो का, जो कि आता है अंडरग्राउंड स्टेम में, नाम दिया जाता है इसको ट्यूबर. सो लुक एट द पॉइंट, आईज है ना. आइस का मतलब होता है कि यहाँ पर बड प्रेजेंट होगी, और बड आगे जाके जब जर्मिनेट करती है तो क्या बनाती है, न्यू प्लांट. सेकंड एग्जांपल जो है जिंजर का है, अदरक का, और जिंजर किस में आता है बेटा, राइजोम में. ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इसमें आप देखो नोड्स दिख रही है ना आपको, ये लेबल कर रखी है नोड्स.
दो नोड के बीच की जगह को इंटर नोड बोला जाता है। तो नोड में क्या प्रेजेंट होता है, बड्स प्रेजेंट होती है, और बड्स में जब वो स्प्राउट करती है तो एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलती है, सो दे कैन फॉर्म द न्यू प्लांट। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स हैं जो रेडिकल से नहीं निकलेंगी लेकिन प्लांट के किसी भी पार्ट से निकलेंगी, क्लियर। देन सी डायग्राम जो है वो भी हम करेंगे, डी भी मैंने आपको करवाना है, ई आपका कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द ऑफसेट ऑफ द वाटर हाइसेंथ विच इज नोन एज द इशोर्निया। तो इसमें प्लांट में आप देखो जरा क्लियर कट बेटा आपको ऑफसेट नजर आ रहा है। This is the branch which is the offset that give rise to the new plant by continuous propagation. Take the screenshot.